ना सर्दी में सरद ना गर्मी में गरम, हम तीसरी नस्ल वाले दुनिया से निराले हैं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है? अरे हम तुम्हारा बहुत नाम सुने, तुम हमको गाना सिखाओगे? अगर तुम हमें गाना सिखाओगे तो हिजरा समिति की यहाँ भीड़ लगा दूंगी। भीड़? देखिए मैं आप लोगों को गाना नहीं सिखा सकता हूँ। ऐसा क्या है मेरे में तो तुम हमको गाना नहीं सिखाओगे? क्या है कि आप लोगों के गाना गाने का तरीका जरा अलग है। अच्छा तो ये बात है, तुम हमको गाना नहीं सिखाओगे तो पूरे हिजरा समिति को लाके यहाँ खड़ी कर दूंगी। हाँ अरे लेकिन तुम लोगों के गाना गाने का अंदाज ज्यादा अलग रहता है। लेकिन गुरुजी पहले तो मैं भी तुम्हारे जैसी थी। वो तो है हाँ, लेकिन अब तो आप बदल गई है ना, आप लोगों जैसा गाना मैं नहीं सिखा पाऊंगा। अच्छा तो ये बात है, तुम अगर हमको गाना तो पूरा हिजरा समिति को लाके यहाँ कर दूंगी और सारे ही तुम्हें ले जाके हिजरा बना देंगे। हाँ अच्छा नहीं 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 रुके रुके, नाराज मत होइए। तो आप ये बताइए कि आपको कोई गाना याद है? अरे गाना बजाना तो हमारा पेशा है। हाँ अरे गाने में तो ये चालू करे समझ गया। अच्छा तो मैं तुमको गाना सिखाऊंगा तो आप मुझे क्या देंगी? जी नहीं, मैं आपको हिजरा समिति का सरदार बना देंगी। हाँ सारे हिजरे ऑल इंडिया समिति में जाएंगे और सबका 2-2% तुम्हें दिलाएंगे। तो सरदारनी ऑल इंडिया हिजरा समिति की सरदारनी हमारी हिजरा समिति तुमको 2% देगी। हाँ अरे वाह, अच्छा तो एक बात बताइए कि आपकी हिजरा समिति की सरदारनी बनने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बस हमारी एक ही शर्त है, आपको भी हमारी तरफ किन्नर बनना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप एक काम करिए, आप कल आइए, कल से मैं आपकी शिक्षा शुरू कर देता हूँ। हाँ मैं कल आएगी जरूर। जाओ पापा जाओ। राम भजन। क्या हुआ? राम भजन जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो, आज जाती रात हमको यहाँ से निकल जाना है। ऐसा क्या हुआ? अगर रात को रुके तो समझ गया ना? समझ गया जल्दी।